जेल से छूटने के बाद शहर का आदतन चोर सूरज हथेल एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। उसके द्वारा लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात सूरज खपराभट्टा स्थित एक मकान में घुस गया और चाकू की नोक पर लोगों को बंधक बनाकर करीब 3 लाख रुपयों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सूरज हथेल शहर के बुधवारी इलाके में एक जाना पहचाना नाम है। इसकी पहचान किसी भले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक आपराधिक तत्व के रूप में है, जो चोरी लूट सहित अन्य अपराधों के कारण हमेशा जेल की हवा खाते रहता है। बावजूद इसके वह सुधरने का नाम नहीं लेता। एक बार फिर से उसने बुधवार के खपराभट्टा इलाके में चाकू की नोक पर लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। बीती रात करीब 11:30 बजे सूरज नीलू श्रीवास नामक महिला के घर में घुसा। नीलू की गैर मौजूदगी में सूरज ने उसकी नौकरानी और बच्चे को चाकू दिखाया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने घर पर मौजूद 1.5 किलो चांदी, 2.5 तोला सोना और 80,000 रुपए नकदी रकम को पार कर दिया। नीलू की नौकरानी ने कुछ इस तरह पूरे घटनाक्रम को हमसे साझा किया। 11:30 बजे करीब क्या हुआ? यहाँ कहते सूरज, वो चूल्हा सूरज आया था, लात मारा गेट को, तब खोला, खोलने के बाद फिर ये वाला गेट को मारा लात। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग को चाकू को दिखाया और फिर गाड़ी में बोलता है मिट्टी तेल डाल के चला दूंगा गाड़ी को, बोला वो। अंदर में मैं थी, बाहर में है वो था, तो बाहर ही से बोला खोलने के लिए, बोला नहीं खोलेगी ना तो दौड़ दूंगा दरवाजा को, बोला और गाड़ी को आग लगा दूंगा, मिट्टी तेल लेके आया था। फिर मेरे को घिला के यहाँ तक निकाला, निकालने के बाद हाँ खोली, फिर डर के मारे फिर मेरे को घिला के यहाँ बस निकाला, हाथ को पकड़ के वाला हाथ को। उसके बाद फिर बाबू रो रहा था, छोटा बाबू हम लोग का, उसको फिर आई लेने के लिए, फिर लेके मेरे को बंद करने के लिए गया वहाँ। चाकू मेरे को बाबू को, क्या बोला चाकू दिखाने? बाबू को बोल रहा था मार दूंगा करके। क्यों? नहीं पता, अपने रूम में लेके गया मेरे को। आपके रूम? हाँ, किराए वाले? हाँ, किराए वाले। बंद कर दिया? हाँ, वहाँ बंद कर दिया। मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग सब थे वहाँ, सब बंद। फिर क्या किया? उसके बाद में वही गेट को बंद कर दिया, चिल्लाई, फिर कोई नहीं खोला गेट को, कोई सुन भी नहीं किया। मैं कहते नीलू श्रीवास को बोली, फिर फोन लगाई तुरंत, बताई। हाँ, तुरंत बताई। हाथ में चाकू रखा था और मिट्टी तेल रखा था और क्या बोलते हैं छोटे छोटे वो क्या चक्कू को बोलते हैं वो रखा था, और वो इतना मोटा पाइप रखा था, सब कुछ एक साथ रखा। हाँ, सबको रखा था, किसी थैले में लेके आया, हाथ में रखा था वो सब कुछ। चोरी हुई है आपको कब पता चला? जब ये भैया लोग आए ना, गेट को खोले ना मेरा, तब मैं जाने की चोरी हुआ है घर में करके। नीलू श्रीवास के परिवार और सूरज हथेल के बीच विवाद काफी पुराना है। इससे पहले भी सूरज नीलू के परिवार को परेशान कर चुका है। बहरहाल अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल क्या बोलते हैं, हम लोग घर में थे और ऐसी छोटा मोटा याद हो तो मैं अपने काम से थाना गई थी कोतवाली, तो रास्ता में वो मिला और इतना गाली गलौज दिया, चल बेटा तेरे को कोतवाली में देखते, बोलते गुले से मारा, फिर बोलता तेरे को जान से मार दूंगा, बोल के गाली वाली दिया, बोली आ रही फिर मार लेना बोल के, फिर उतना में घर में मैं छोड़ के चले गई बच्चे को और काम वाली को, फिर आके ताला वाला तोड़ के सब सामान को ले गए लमसम 11:30। हाँ, कई बार अभी 4 दिसंबर को छठी के, तो जितना मेहमान थे उन लोगों का गाड़ी वाड़ी को सबको तोड़ दिया था। के बाद एक बार मैं और मेरे बाबू उधर से आए थे शॉपिंग करके, तो गंदा गंदा गाली दिया, तो हम लोग भी गाली दिए थे, उसमें भी जाके खाली लिखित शिकायत किए थे। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।